आज हम सीखेंगे सेंटर पॉइंट गेम। एक सेंटर पॉइंट एमिंग रहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉइन का, उसके बारे में सीखेंगे। हम क्या करते हैं, सामने का पॉइंट का कॉइन देखते हैं और बाद में पॉकेट को देखते हैं। इस टेक्निक में क्या करेंगे, हम पहले पॉकेट को देखेंगे, वहाँ से एक लाइन बनाएंगे और जो लाइन से हमको पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे हमको मारना है। जगह कोई भी हो, जगह मैटर नहीं करती, आप साइड से मार सकते, खड़ा मार सकते, पर आपका जो पॉइंट है इससे आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए। इससे नज़र नहीं हटेंगी आप 100% ये कॉइन जाएंगी। उसी की तरीके से ये भी कॉइन का वैसे ही पॉइंट लेंगे और पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट नज़रों के सामने से नहीं हटने देंगे, बस यही पॉइंट पे हमको मारना है। अब यही पॉइंट पे मारना है, ये जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स, यही अच्छे प्लेयर्स यही टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं सेंटर पॉइंट टेक्निक, ये सेंटर पॉइंट टेक्निक में कॉइन मिस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे दो तीन बोर्ड खेलेंगे आपको यही प्रैक्टिस से कॉइन मारनी है। दो तीन बोर्ड खेलने के बाद ऑटोमेटिक आपकी कॉइन जो है पॉकेटिंग होने लगेंगे और अच्छी पॉकेटिंग होगी, कम मिसिंग होंगी आपके गेम में। बस आपको तरीका हर पॉइंट के लिए यही तरीका यूज़ करना है। कॉइन चाहे कहीं पे भी हो, कट पे हो, स्ट्रेट हो, सेंटर में हो, आपको तरीका यही यूज़ करना है। पॉकेट से कॉइन का एम लेना है सीधी लाइन में और आपको पॉकेट करनी है। मैंने काफ़ी बड़े प्लेयर से बात भी की है, उन्होंने भी यही बताया मेरे को कि हम सेंटर पॉइंट गेम ही खेलते हैं। इसमें क्या होता है, ये टेक्निक का मैं फ़ायदा बताता हूँ आपको। ये टेक्निक में आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता है ये वाली टेक्निक में, और आपका माइंड भी कूल होता है ये टेक्निक से। तो उससे होता है क्या है, आपको प्रेशर आने का चांस बहुत कम रहता है ये टेक्निक से खेलने को। आपको गेम में खेलते वक्त प्रेशर, काफ़ी प्रेशर कम आएगा। पर्सनली मैं भी यही टेक्निक यूज़ करता हूँ, इससे प्रेशर, काफ़ी प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। हमारा जो ध्यान रहता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के तरफ ही रहता है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जैसा पहले मैंने थोड़ी पास कॉइन रखी थी, फिर अभी मैंने थोड़ी सी दूरी पे कॉइन रखी है, अभी इसके बाद क्या करेंगे और थोड़ी दूरी पे कॉइन रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं थोड़ी दूरी पे कॉइन रख ली, तरीका वही है, तरीका सेम है। आपकी कॉइन कहीं पे भी रहे, चाहे पास रहे, चाहे दूर रहे, पॉकेट के पास रहे, चाहे कट पे रहे, जो आपको कॉइन चांस लगती है वो भी इजीली तरीके से जाएंगी है ये तरीके से। तो ये बहुत ही सिंपल बट सीक्रेट तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अगर वीडियो पसंद आए, मेरे तरीके सिखाने का तरीका पसंद आया और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, वीडियो में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बस आपका तरीका यही होना चाहिए, पॉकेट से एम, कहीं पे भी स्ट्राइकर रखिए आप, बस एक ही तरीका, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा।